गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो जरा क्लियर कर लेते हैं। यू नो कि ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ठीक है, अब क्या होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस होती है बेटा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर मैं एंगल सी को एक्यूट एंगल अगर कंसीडर करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसके अपोजिट साइड में जो साइड है ए बी, ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं एंगल ए को एज एक्यूट एंगल कंसीडर करता हूँ, तो इसके सामने वाली साइड क्या है? बी सी। तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर का बात करती है। ठीक है, तो जो जनरल फार्मूला है, जो मेन फार्मूला है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। तो अगर मैंने एंगल सी को थीटा एंगल कंसीडर किया है, तो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। तो ठीक है, ए बी और हाइपरटेनियस, तुम जानते हो हाइपरटेनियस यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड जो मिलेगी वो क्या होगी? हाइपर यानी लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपरटेनियस होगी। ठीक है, इट मीन्स ए सी। तो इस टाइप से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपरटेनियस, बेस क्या हो गया? बी सी, एंड हाइपरटेनियस ए सी। ओके बेटा, एंड लास्ट जो हमारा बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? ए बी, एंड बेस इज बी सी। बट जो स्टूडेंट कहते हैं, बोले सर ये लर्न करने में बहुत दिक्कत आती है सर, कि ये सर लर्न करना बड़ा टिपिकल है सर, भूल जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर हम इसको जनरली भाषा में याद करना चाहें, कि जैसे पाकिस्तान पीछे पाकिस्तान भूखा प्यासा, एंड अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बेटा, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, पहली जो टर्म है पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, तो इट मीन्स पहला वाला क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब दूसरा वाला इसी टाइप से क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपरटेनियस, बेस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपरटेनियस कॉस थीटा। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा हमारा क्या हो गया? ठीक है, तो हम बहुत ईजिली तरीके से ये याद कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा हो गया हमारा पी अपॉन बी। ठीक है बेटा, समझाया? तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और जो थ्री जो और जनरल फॉर्मूले जो हमारे रह गए हैं, कौन कौन से? देखिए, जो थ्री जनरल फॉर्मूले हमारे रह गए हैं, पहला हो गया हमारा सेक थीटा। ठीक है, फिर हो गया हमारा कॉट थीटा, और फिर लास्ट वाला हमारा रह गया कॉसेक थीटा। अब ये याद करना बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल होता है बी अपॉन एच, तो सेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। ओके बेटा, फिर कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है टेन का रेसिप्रोकल यानी बी अपॉन पी, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन पी। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, देखो साइन इधर देखो कॉर्नर पे लिखा हुआ है साइन थीटा पी अपॉन एच, तो साइन का रेसिप्रोकल बेटा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा हमारा एच अपॉन पी। इट मीन्स अगर हम डाउन टू अप अगर मूव करें यानी एच अपॉन पी, तो ये पहला वाला क्या बनेगा बेटा? कॉसेक थीटा। ठीक है, समझा बेटा? गुड। अब सेकेंड वाला क्या है? एच अपॉन बी देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, एच अपॉन बी लिखा हुआ है, इसका क्या होता है? सेक। तो दूसरा वाला क्या हमारा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। समझाया? ठीक, वेरी गुड। अब ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लास्ट वाला हमारा बचा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो इधर क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहाँ लिखा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? कॉट थीटा। इन्हें ये क्या हो गया? कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे बेसिक फॉर्मूले सिर्फ इसी में ही छुपे हुए हैं, और उसको लर्न करने का तरीका क्या, एक बार मेरे साथ बोलो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ओके बेटा, समझाया? एक बार और रिपीट करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।